अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं ये सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और सिक्योरिटी में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ को हम डिस्कस कर भी लिया है और करेंगे भी सही। उनमें से कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ कॉपीराइट से रिलेटेड और कुछ इनके लॉज हैं। सबसे पहले आपको पता था या इससे पहले जो लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो वायरस होते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर सिस्टम पर इन्फेक्ट करते हैं, और अगर आपका कोई अच्छा एंटी वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप जो लेटेस्ट और जदीद जो एंटी वायरसेस होते हैं आप उनको इंस्टॉल करें, और इसके लिए मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस से। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करने चाहिए, सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस हैं वो इंस्टॉल करने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि हर घंटे के बाद मुख्तलिफ वायरसेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इंटरनेट पे। अब होता क्या है, बेसिकली लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का पर्पस वो ऐसा होता है कि आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, या आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वायरसेस की लिस्ट होती है। और क्या होता है कि अगर कोई ऐसा वायरस आपके सिस्टम पर अटैक करता है या आपका सिस्टम उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, तो अगर वो ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट में मौजूद होता है तो वो उसको इजीली रिमूव कर देता है। ना सिर्फ उसको इजीली रिमूव करता है बल्कि उस वायरस से इन्फेक्ट जितनी भी फाइल्स होती हैं वो उनको भी सही कर देता है। अब चूंकि अगर आपके पास कोई पुराना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और उसमें अगर आपका लेटेस्ट वायरस जो अटैक करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आपके पुराने एंटीवायरस की लिस्ट में मौजूद नहीं होगी, जिसकी वजह से वो जो लेटेस्ट एंटीवायरस है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है और मुख्तलिफ फाइल्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जितने भी लेटेस्ट एंटीवायरसेस होते हैं आप उनको इंस्टॉल करें, ताकि उसकी लिस्ट में जितने भी वायरसेस होंगे वो लेटेस्ट होंगे और वो इजीली रिमूवेबल होंगे, उनको सिस्टम से हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह एंटी वायरस जो सॉफ्टवेयर हमारा लेटेस्ट होगा उसको इंस्टॉल करने से हम अपने कंप्यूटर को और अपने डाटा को जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है उसको वायरसेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये जो हमने लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है इसको हमें सिर्फ इंस्टॉल नहीं कर लेना चाहिए बल्कि हमें इसे अपग्रेड भी कर लेना चाहिए। बाकायदा तौर पर रेगुलरली बेसिस पर हमें इसको अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करने का मकसद ये होता है कि इसमें अगर नए भी सॉफ्टवेयर अगर फर्ज करें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तो वो इसकी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये तब अच्छा होता है कि अगर हमारे पास लेटेस्ट एंटीवायरस अगर रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड से मुराद ये है कि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना हो, जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं और उनमें बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते, और फीचर्स ना होने की वजह से उसमें फिर ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपना पूरा फंक्शन
कम्प्लीटली सर अंजाम नहीं पा सकता और उसमें जितने भी लेटेस्ट वायरसेस होंगे वो उस पर अटैक कर जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल हो गया है तो आपने उसको अपग्रेड भी करना है। अपग्रेड से मतलब ये है कि हर हफ्ते के बाद आप उसको ग्रेड करें और उसके नए फीचर्स जितने भी होते हैं वो उसको ऐड कर लेता है, और नए फीचर्स ऐड करने से आपका जो लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड हो जाता है और हर तरह के जितने भी वायरसेस होते हैं उससे मजीद आपके कंप्यूटर और उसके अंदर मौजूद स्टोर्ड डाटा को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, डेटा ट्रेवलर और यूएसबी फ्लैश ड्राइव मस्ट बी स्कैन बिफोर यूज। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी बुक में फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड थी। वहां पे ये लिखा हुआ था कि आपका जो फ्लॉपी ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो शुड बी स्कैन फॉर वायरसेस बिफोर यूज। लेकिन चूंकि आजकल फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल ही नहीं हो रही क्योंकि वो एब्सोल्यूट हो गई है, क्योंकि उसकी टोटल कैपेसिटी थी 1.44 MB, और आजकल जो हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव या डेटा ट्रेवलर हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पोर्टेबल होती है, इजीली वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इजीली, एंड वी कैन कीप दैट डिवाइस इन आवर पॉकेट। तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं होता इसको अपने पास रखना और डेटा कैरी करना फ्रॉम वन साइड ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। तो जब आप, जाहिर है क्योंकि यूएसबी फ्लैश ड्राइव आजकल बहुत कॉमन है, आपके दोस्तों के पास हैं, आपके किसी कोलीग्स के पास होती हैं, आपके फ्रेंड्स के पास होती हैं, आपके रिलेटिव्स के पास होती हैं, तो आए रोज आप इस तरह की फाइल्स को एक दूसरे कंप्यूटर्स के साथ ट्रांसफर करते रहते हो, मुख्तलिफ तरह का डाटा थ्रू दीज डिवाइसेस। तो जब भी आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूज करना चाहते हैं या डेटा ट्रेवलर यूज करना चाहते हैं, अगर आपने किसी और सिस्टम में आपकी अपनी अगर यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, आपने अगर वहां पे उसको डाटा ट्रांसफर करना है अपने कंप्यूटर से किसी दोस्त के कंप्यूटर में, तो आपको चाहिए कि वो पहले उस ड्राइव को आप उस स्कैन कर लें। स्कैन होने का ये मतलब होता है कि अगर उसमें कोई वायरसेस होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे, और अगर आपके सिस्टम पर कोई आप डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं और आपने यूएसबी आपने कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर के साथ, तो उसको पहले स्कैन कर लें। स्कैन के लिए जरूरी है कि आपके पास एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, उसके जरिए आप डाटा ट्रेवलर या यूएसबी फ्लैश ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई वायरसेस वगैरह मौजूद हों तो इस तरह वो वायरसेस वगैरह खत्म हो सकते हैं और हम अपने कंप्यूटर, न सिर्फ कंप्यूटर को बल्कि कंप्यूटर में मौजूद जो हमारा डाटा मुख्तलिफ फाइल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, हम अपने कंप्यूटर को और अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस के। इसके बाद, जंक और अननोन ईमेल्स शुड नॉट बी ओपन। ऐसा देखने में अक्सर आता है कि अगर हमारा ईमेल अकाउंट है और उसमें कुछ ऐसी ईमेल्स आती हैं जिनको हम नहीं जानते कि ये किसकी तरफ से ईमेल्स आती हैं, ये जंक ईमेल्स होती हैं, मुख्तलिफ नामों से होती हैं और मुख्तलिफ स्टेटमेंट से और मुख्तलिफ टाइटल से होती हैं, और बाज़ोकात उनमें, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक ईमेल के बारे में बताया था कि मसलन आपका प्राइस निकल आया है या आपकी जॉब हो गई है या आपको विजिट करने के लिए ऑफर दी जा रही है या आपकी लॉटरी निकल आई है, इस तरह के टाइटल्स होते हैं ईमेल्स के अगेंस्ट, और उसकी वजह से आप में क्यूरोसिटी और एक तजस्सुस सा पैदा होता है कि आप इसको जरा ओपन कर लें। जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो वायरसेस होते हैं वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं और कर भी लेते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर और डाटा महफूज नहीं रहता। नेक्स्ट, अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। जैसा कि पहले भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर तलाश होती है
तो हमें कोई कह देता है कि अच्छा फलां सॉफ्टवेयर, हाँ भाई ये तो सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें ये नहीं पता चलता कि हम इंटरनेट से डाउनलोड तो कर रहे होते हैं, हो सकता है कि जिस वेबसाइट के जरिए से हम इंटरनेट वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड फाइल है, क्या वो रजिस्टर्ड वेबसाइट है। अगर तो वो रजिस्टर्ड वेबसाइट होगी तो देर विल बी नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड होगी और अगर किसी किसी ऐसे ही लड़के ने बना के उसको अपलोड कर दिया होगा और उसमें मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल कर दिए होंगे और वहां से हम डाउनलोड करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे जो कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं। और पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं जो अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और अनऑथराइज होते हैं, यानी उनका कोई जो होता है वो लॉ और कॉपीराइट से उनका लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें ज्यादातर चांसेस, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं और उनमें वायरस मौजूद होने के चांसेस बहुत हद तक मौजूद होते हैं, और जिसको डाउनलोड करने के बाद हम अपने कंप्यूटर और अपने डेटा के लिए रिस्क मोल ले लेते हैं, और जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा कंप्यूटर बल्कि हमारा डेटा भी डैमेज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हमें अपने कंप्यूटर और अपने डेटा को बचाना चाहिए, और इस तरह के पायरेटेड सॉफ्टवेयर और अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सेकंड लॉस, द बैकअप इज यूज्ड फॉर द वायरस डिलीट्स डेटा और मॉडिफाइज इट। इसका ये मतलब होता है, बैकअप का ये मतलब होता है कि हम जो डेटा कंप्यूटर में सेव करते हैं, चूंकि वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें ये भी पता है कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट और हो सकता है कि कोई वायरस इसको डैमेज भी कर सकता है, तो उससे बेहतर है कि हम उसकी कॉपीज बना के किसी और स्टोरेज मीडिया पर हम उसको स्टोर कर देते हैं कि इन केस ऑफ इन्फेक्टेड from the viruses we can have a safe data on another storage device. to hum us data ko usb flash drive pe bhi save kar sakte hain, kisi aur extra hard drive pe bhi save kar sakte hain, aur kisi cd aur dvd par bhi hum store kar sakte hain. to is tarah agar hamara computer virus ki wajah se infect ho jata hai aur hamari bahut sari files ya data damage ho jata hai, तो हमें मालूम होता है कि इसकी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डाटा था, तो उसकी ऑलरेडी हमने एक कॉपी बनाकर किसी और स्टोरेज मीडिया पर उसको स्टोर किया हुआ था। तो इसलिए ये ऐसे ही होता है। इसकी मिसाल इस तरह मैं देता हूँ कि जब फर्ज करें हम हॉस्टल लाइफ में होते थे, तो हम ऐसा करते थे कि जब हम एक न्यू लॉक लेके आते थे, ताला लेके आते थे कमरे के लिए, तो उसके साथ तीन कीज होती थी। हम एक कीज अपने पास रखते थे और दो कीज जो बाकी बच जाती थी वो हम कमरे में नहीं रखते थे, बल्कि अगर हम वो कमरे में रख लेते तो उन दो जो कीज बैकअप के तौर पर जो कि उन की कॉपीज थी, अगर कमरे में रख लेते तो उसका कोई फायदा नहीं हमें होना था। तो हम बेसिकली इस तरीके कार पर क्या करते थे कि उसमें से एक जो की होती थी वो हम अपने पास रखते थे, एक की अपने किसी और दोस्त के हवाले कर देते थे, और एक की हम किसी ऐसी जगह पर छुपा के रख देते थे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमारे पास से चाबी गुम हो जाती और उस वक्त मुकर्रर वक्त पर हमारा दोस्त भी हमें मुयस्सर ना आता, तो हम उस जगह पे चले जाते और वहां से वो चाबी या वो की ढूंढ कर हम लॉक ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है के बैकअप के तौर पर अगर वो तीनों कीज जो कि तीनों कीज कॉपीज के तौर पर या बैकअप के तौर पर हमारे पास होती हैं, उनमें से एक हम अपने पास रख लें और दो जो बाकी हैं वो कमरे में ही रख लें, उसका कोई फायदा नहीं है, तो हमें उसकी कॉपीज को किसी और जगह, इसी तरह डेटा की भी कॉपीज किसी स्टोरेज मीडिया पे हमें स्टोर करके किसी और जगह पे मुंतकिल कर देना चाहिए। And the last topic is avoid freeware and shareware software from the internet. हमें इंटरनेट पर मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्रीवेयर होते हैं, बगैर कॉस्ट के होते हैं,
और वहाँ शेयरवेयर का मतलब होता है कि आप उनको शेयर कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा होते हैं और तकरीबन मैक्सिमम वेबसाइट्स पर वो मौजूद होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए हम वो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर और डेटा इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने वो टॉपिक्स और वो इश्यूज डिस्कस किए जिनकी वजह से हम ना सिर्फ अपने कंप्यूटर बल्कि कंप्यूटर में जो स्टोर डेटा है उसको भी सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा, हम पढ़ेंगे डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।